ये चंडीगढ़ पीजीआई कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट अश्विनी मुंजाल साहब हैं जो बताएंगे कि हड़ताल वापस ले ली गई और किन कारणों की वजह से ली गई ये बताएंगे। जी सर, देखिए कल हमें लगभग 3 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि पीजीआई ने कोई केस फाइल कर दिया हाईकोर्ट में, तो हम उसके इंतज़ार करने लगे। सुबह 3 बजे हमें पता चला, ये नहीं पता चला कि सुबह 10 बजे केस लग चुका है, 12 बजे लग चुका है या अब फाइल किया है, इस बारे में हमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं। शाम को लगभग 7:30 बजे पीजीआई की प्रशासन की तरफ से ऑर्डर की कॉपी आई, उसमें भी कोई समय नहीं लिखा हुआ कितने बजे वो एक्स पार्टी का ऑर्डर आया। हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हाईकोर्ट से नहीं आई कि कोई केस फाइल हुआ है, अगर आपने कुछ कहना है तो आप हाजिर हुए, ना ऐसा कोई फ़ोन आया ना कोई इन्फॉर्मेशन। चलो ये तो एक और बात है। दूसरी बात, ऑर्डर हमें मिल गया 7:30 बजे, उसका मेरे घर में कुछ बिजी भी था, मेरी वाइफ का बर्थडे था, लेकिन फिर भी सब काम से निकल के 7:30 आया तो लगभग 8:15 घर में ही मेरी फैसिलिटी है, तो मैंने उसका प्रिंट वगैरह लिए, बात करेंगे सारी स्थिति रखी। तो हमें उम्मीद थी कि शायद वो ये कहेंगे कि जो 7 दिन में फैसला होना था हम नहीं ले पाए, अगले 2-4 दिन में इसका फैसला हो जाएगा और जो आपका हक है जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया उसके मुताबिक हो जाएगा। लेकिन 3 बजे की मीटिंग को 2 बजे किया गया, 15 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई, 10 मिनट में तो हमने बात बताई, उन्होंने डायरेक्टर साहब से पूछा, डायरेक्टर साहब कहते जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, अपील हमने कर दी। अच्छा, तो सेक्रेटरी हेल्थ ने वहाँ के डायरेक्टर से पूछा, एडमिनिस्ट्रेशन से, बताइए भाई क्या चक्कर है, वो कहता जी मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं कहना। अच्छा। बड़े हैरान थे इस हालात में। सेक्रेटरी हेल्थ जो एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ थे डॉक्टर गनानी, कहते जी मेरे पास यहाँ कहने को कुछ नहीं है, मैं आपको कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार सोच रही है कि अगर आपको सेम एंड सिमिलर वेज हाईकोर्ट की जजमेंट या नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के हिसाब से देंगे तो उनके मन में ये आ रहा है कि शायद इसकी रिपरकशन। हमने उनको समझाया कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट का कानून है, जिसके लिए ये फैसला होता है, जिस संस्था के लिए, चाहे कोई सिस्टर कंसर्न नहीं हो, उसी के ऊपर लागू होता है। वो जाके दूसरा अदारा ये नहीं कह सकता कि पीजीआई में सेम एंड सेम वर्क हो गया तो हमें को पूरी तरह इन्फॉर्म करें। तो डायरेक्टर साहब एग्री हैं इन बातों से आपकी कि किसी की सैलरी नहीं कटेगी? उन्होंने कहा कि ये ओपीडी सब अभी ओपीडी खोल दी जाएगी? नहीं, हमारे बंदे ड्यूटी जाएंगे, ओपीडी खोलने का ऑर्डर, बंद करने का ऑर्डर तो पीजीआई का, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। अच्छा, ठीक है ना। अगर हम हड़ताल पे हैं, मान लो रहते और हाईकोर्ट का ऑर्डर ना होता, तो पीजीआई प्रशासन का अधिकार क्षेत्र है कि उनके पास जितनी रेगुलर फोर्स है, 400-800 बंदे रेगुलर हैं तीनों चारों कैटेगरी के, उससे उनका काम नहीं चलता या चलता है, ये तो खैर उनको देखना है, इसमें हमारा कोई क्षेत्र नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं। ये फैसला उनका ही था कि तो हड़ताल वापस ले ली गई। और बड़ी हैरानी की बात है, एक तो बड़ी बुरी लगती है क्योंकि ये इनको हड़ताल बंद करने का फैसला इन्होंने सुबह ले लिया और ये सर्कुलर कर दिए, अखबारों को भी शायद दे दिया, और इसमें बड़ी स्थिति गलत पैदा हो गई और शाम में हाईकोर्ट चले गए। तो आप बताइए, अगर आपने पहले फैसला कर लिया कि हम ओपीडी बंद कर देंगे, शाम को हाईकोर्ट ने हड़ताल पे बैन लगा दिया। हाँ, ये तो सवाल, तो ये तो अब इसके जिम्मेवारी हमारी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिम्मेवारी पब्लिक को जवाब देना ये तो इनकी है कि आप अगर हाईकोर्ट जाना था सुबह जाते, कल जाते, 22 फरवरी से तो पहले ही करते ना। और एक तरफ आप कह रहे ओपीडी और सब कुछ बंद कर दिया, फिर हाईकोर्ट चले गए।